हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के बीच में खेली गई वनडे सीरीज के बारे में, और साथ में हम आपको बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से। तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक हमारे साथ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टेस्ट और T20 सीरीज हारने के बाद ये श्रृंखला बांग्लादेश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, और ये वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। इतना ही नहीं, ये वेस्ट इंडीज़ के ऊपर बांग्लादेश की लगातार 11वीं जीत है वनडे क्रिकेट में। सीरीज़ में शानदार बल्लेबाजी के लिए बांग्लादेश के कप्तान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, और आखिरी वनडे मैच में 5 विकेट लेने वाले तैजुल इस्लाम को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की। तो आपको बता दें, तमीम इकबाल बांग्लादेश के कप्तान ने सीरीज़ जीतने के बाद T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपना आखिरी T20 मार्च 2022 में खेला था। 34 साल के तमीम ने 78 T20 मैच में 1758 रन बनाए हैं 24 की एवरेज से, और इसमें एक शतक भी उन्होंने बनाया है। उनका सर्वाधिक स्कोर है 103। शतक के अलावा उन्होंने 7 बार 50 का स्कोर भी पार किया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।